सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी बहुत कृपा होगी, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, जब गुरु के शिष्य सत्संग सुनने आते हैं तो सात संगत को देखकर मेरे खुशी होती है कि सब भक्ति पर लगे हैं, कोई विचलित नहीं हुआ है। जब ये सत्संग के पश्चात जाते हैं तो मायूसी छा जाती है कि कहीं कोई सिरफिरा इनको भ्रमित करके परमात्मा से दूर न कर दे। श्री नानक जी ने कहा कि ज्ञानहीन संतों ने फकीरी यानी भक्ति को कठिन बना दिया है, वे पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं जाना चाहते, भ्रमित करने को गुरु बनते हैं, जो मीठी मीठी बातें बनाकर अपने भक्तों को काल के जाल में ले जाते हैं। इसलिए जब तक वे पुनः सत्संग में नहीं आ जाते तो मुझे चिंता बनी रहती है। सब आ जाते हैं तो खुशी होती है, परंतु हम नाचते गाते नहीं, दिल में महसूस करते हैं, मौत को कभी नहीं भूलते। सत्संगत जी, सतगुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने आते शिष्य को तो देखकर सत्संगत, संगत को देखकर मेरे खुशी को दुगनी हो जाती है मेरी खुशी। जब सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़कता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अंडगे को ज्ञान से साफ करने, भक्ति तथा पथ पर चलने और सफलता प्राप्त करने हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत ही, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण वे विनाश हो प्राप्त हो गए। रावण को भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे, सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण वे जीवन में व्यर्थ गया और अमिट कलंक ही लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ अहंकार करता था। जब गुरु जी की गुमानी, दास जी के सत्संग वचन, तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया, जीवन सफल हुआ। सत्संग सुनकर नित्यानंद जी करने लगे, अहंकार त्याग दिया, कहा कि मैंने अपने गुरु जी को अपना सिर दान कर दिया, यानी जैसे गुरु जी रखेंगे वैसे ही रहूँगा, मेरा सिर सफल हो गया, अन्यथा किसी रोग के कारण जीवन चला जाता, अब मेरे सिर पर परमात्मा का निवास है, मेरा रक्षा परमात्मा करेगा। सत्संगत जी, दुनिया में गुरु सी होली कौन खिलाने वाला है, होली का मतलब क्या है ये कौन बताने वाला है। जो जन होली खेलता करते सतगुरु के संग में, सतगुरु उनको रंग देता है बेरंगों के रंग में। गुरु उपकारी भर भर मारे, ज्ञान वाली पिचकारी, आनंद की मस्ती में सारे डूब जाते नर नारी। सतगुरु के पास होता मिलवर्तन गुलाल है, इसे लगाने वाला चलता प्यार वाली चाल है। कहे हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली पिया रे, तब कहती ये आत्मा। सत्संगत जी, कहने का अर्थ है सत्संगत जी, गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। पांच पहर
धंधा किया तीन पहर सोए एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। हे परम पिता परमात्मा, यह जो सृष्टि है इसके कड़कड़ में तेरा वास है और इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तेरे करने और करवाने वाला तू ही है। जितना भी इस सृष्टि का फैलाव है तू उसमें समाया है और जो कुछ भी इस सृष्टि में है सब कुछ तेरे पास है। मैं तुझे अंग संग देखकर तेरे सामने प्रार्थना करता हूँ। सत्संग जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनो बख्श लो सत्संग जी। तू रख सबर, उसे है सबकी खबर, करता रह उसकी बंदगी, बदल देगा तेरा सतगुरु तेरी जिंदगी। क्योंकि सतगुरु के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं सत्संग जी। ईश्वर पर विश्वास है खुद से भी ज़्यादा, इतना भी गलती मुझसे हो सकती है किंतु ठाकुर से नहीं। कर्म अच्छे करेंगे तभी फल अच्छा मिलेगा। देर जरूर है ईश्वर के घर मगर अंधेर नहीं। कोई ईमानदार कष्ट क्यों भोगता है, कुछ सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ संस्कारी व्यक्ति जो जब किसी बेईमान और कर्तव्य मुख व्यक्ति को सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देते हुए देखते हैं तब ऐसे संस्कारी व्यक्ति के मन में ईश्वर से न्याय के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। शंका के कारण अज्ञान होता है और इससे साथ संगत जी कष्ट अपने आप हमें मिलने लगती है। जैसे सतगुरु को प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए साथ संगत जी। इससे अपने कष्ट से जब तक ईश्वर के नाम जपते रहेंगे, प्रभु के नाम जपते रहेंगे, निरंकार के नाम जपते रहेंगे तब तक आप इस कष्ट से मुक्त रहेंगे। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट ना दें, सही मनुष्य पर दोषारोपण ना करें। स्वार्थ अनुचित व्यक्ति अनुसूचित है क्योंकि सुख और समृद्धि में वृद्धि तभी संभव है जब कर्म के कल्याण का भाव हो। सत्संग जी यहाँ तक तो बात सही है लेकिन आप किसी के बारे में गलत सोचते भी हैं तो आपको परिपूर्ण रूप से दोषी माना जाएगा। तो सत्संग जी हमें करना क्या है, अच्छे कर्म करने हैं, नहीं तो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं और आपका विधान जो है सत्संग निरंकार के बाहों में वो उनकी कलम चल रही है कि आप गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं। सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी कल अच्छा था आज बहुत अच्छा नहीं है, कल बेहतरीन आएगा इसलिए भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं सत्संगत जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूले सत्संगत जी।